करहल में बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध मारने के लिए परिवार के सामने ही एक सदस्य को उतार दिया है, कहीं ना कहीं अब यादव तो कहीं ना बच जाएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा था किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम लोग आके यहाँ डेरा डाले थे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। भाजपा को अपनी हार नजर आती तो मिल्कीपुर का चुनाव इसी बीच में होता, हार ही के डर से मिल्कीपुर के चुनाव को षड्यंत्र रच करके और रुकवाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो के सगे बहनोई है, सगे अनोई रहे, चाहे भाई रहे, चाहे भतीजा रहे, चाहे साला रहे, चाहे कोई रहे, रिश्तेदार रहे, इससे कोई जो है समाजवादी पार्टी के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अपर्णा यादव चली गई, क्या समाजवादी पार्टी का बिगाड़ ली? समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी पार्टी बन के आई। क्योंकि करहल उपचुनाव को लेकर करहल में बीजेपी ने कहीं न कहीं यादव के सामने यादव प्रत्याशी को उतार दिया है। अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प बन गई है क्योंकि वहां पर धर्मेंद्र यादव के वो सगे बहनों ही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, मिल्कीपुर सीट काफी हॉट थी लेकिन अब बीजेपी ने करहल को बना दिया, यानी धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों को उतार दिया, लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। अगर भाजपा को अपनी हार नजर आती तो मिल्कीपुर का चुनाव इसी बीच में होता, हार ही के डर से मिल्कीपुर के चुनाव को षड्यंत्र रच करके और रुकवाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और रही बात करहल की, 9 सीटों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी कहीं से जीतती नजर नहीं आ रही है। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता अभी विगत कुछ महीनों पहले ही लोकसभा चुनाव हुआ है, जनता ने लड़ करके मैसेज दे दिया कि समाजवादी पार्टी की लहर है और सरकार उसी के बनने जा रही है। 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जनता ने तय कर लिया है और आज ही इसी उपचुनाव से ये एहसास होने लगेगा कि 27 के सत्ताधीश आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव है, लेकिन सर सीट कहीं ना कहीं तो फंसती नजर आ रही। दो यादव आमने सामने होंगे तो वोटर क्या सोचेगा, वोटर के मन में क्या होगा? देखिए, काउंटर और हाफ काउंटर और दंगा करा करके आप जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। जनता का दिल तभी जीत पाएंगे जब जनता के बीच में सुख दुख में काम करेंगे आप, जब जनता को आप मेट्रो जैसी सुविधा देंगे, जब जनता को एक्सप्रेसवे देंगे। परिवार में बीजेपी ने सेंध मारने का प्लान बनाया है, डिसीजन लिया है, होने वाला कुछ नहीं है। समाजवाद है, समाजवादी है, इसमें यादव और मुस्लिम की बात चर्चा मत कीजिए आप, ये पूरा समाज समाजवादी करहल को लेकर ना, इसलिए मैं यादव नाम लेना से मैंने लेता करहल को लेकर ना, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने यादव परिवार में सेंध मारने के लिए, यादव पर, यादव और मुसलमान पर ये लोग तो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन हार हुई है। अरे भैया, हार हुई कि नहीं हुई है? तो ये यहाँ पर जो है यूपी की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा इस प्रदेश का मुखिया कोई नहीं बन सकता है, इसलिए 27 में बनाएगा और 27 का एपिसोड इसी उपचुनाव से तय कर देगी जनता। यही सिकंदर यादव जी हमारे बीच हैं, अधिकतर समय के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करहल में बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध मारने के लिए परिवार के सामने ही एक सदस्य को उतार दिया है, कहीं ना कहीं अब यादव तो कहीं ना बच जाएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा था किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम लोग आके यहाँ डेरा डाले थे, लेकिन जनता बहुत समझदार है, सब लोग जानते हैं, वो तो पारिवारिक सीट है, वहाँ पे जो भी काम हुआ है, जो भी सब कुछ समाजवादी किया गया है, इसलिए वहाँ कोई सवाल ही नहीं होता कि किसी को और वहाँ की जनता समझे। यानी जो बीजेपी ने प्लान बनाया है कि इस बार परिवार में सेंध मार लेंगे, कामयाब नहीं होंगे? बीजेपी पूरी तरीके से फेल है, वो पहले अपना बचाएं, चाहे निषाद जी हो, चाहे राजभर जी हो, उनको पहले बचाएं, वो अपनी पार्टी पे फोकस करें, उनसे कुर्सी जा रही है, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं, उनकी गिनती उल्टी शुरू हो गई है। भाई साहब हमारे बीच है, आखिरी सवाल सर, करहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने यादव परिवार में सेंध मारने का प्रयास किया है, पार्टी मतलब बीजेपी सक्सेस होगी या फेल हो जाएगी? इसके पहले भी कई बार प्रयास किए हैं, समाजवादी पार्टी में जातिवादी शब्द का कोई मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी हर जाति धर्म के लोगों का गुलदस्ता है, समाजवादी पार्टी जो है बहुत अच्छे वोटों से करहल जीतेगी। मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और हमारे बीच जो खास मेहमान हूँ किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता लोटर राम निषाद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहेंगे बीजेपी ने यादव परिवार में सेंध मारने के लिए यादव को भिड़ा दिया सामने, तो अब करहल की सीट हॉट सीट बन गई है। अनुजेश यादव को जो आगे किया गया है उसे समझे सेंध मारी का, तो यादव इतना बेवकूफ नहीं है।
यादव समझदार हो गया है, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा तब भी भारतीय जनता पार्टी वाले जो यादव के सगे बहनों ही सगे अनोई रहे, चाहे भाई रहे, चाहे भतीजा रहे, चाहे साला रहे, चाहे कोई रहे, रिश्तेदार रहे, इससे कोई जो है समाजवादी पार्टी के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अपर्णा यादव चली गई, क्या समाजवादी पार्टी का बिगाड़ ली? समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी पार्टी बन के आई। अनुजेश यादव ने जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी वाले बनाए हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले डरा धमका करके जो है ना, ये केवल मीडिया में जो है सपा को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन यादव समाज जो है आज यादव की पहचान किससे है? यादव में तमाम नेता हुए, वही मैनपुरी में नेता हुए थे, बलराम यादव का भी हुए थे, कहीं बगल में वही अशोक यादव हुए थे। और पूछ लो कि गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया हो, चाहे मिर्जापुर, भदोही हो, चाहे जौनपुर अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बस्ती में, तो कोई नहीं जानता होगा कि बलराम यादव नाम के भी कोई मैनपुरी में नेता थे, कोई अशोक यादव नाम के नेता थे। तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वही खप जाते हैं। और इन पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा किसको घेरने का काम किया? यादव को नायक से खलनायक बनाने का काम किया, यादव को ही हकमारों की सूची में शामिल करने का काम किया। तो यादव इतना बेवकूफ नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे, यह केवल जो है डरा धमका करके जो है अनुजेश यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और हमें तो लगता है कि अनुजेश यादव करहल से भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, हमारे लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी भाजपा होगी पस्त, समाजवादी पार्टी होगी सत्ताधीश। यानी लोटे राम निषाद जी को कोई टेंशन नहीं है कि बीजेपी ने यादव परिवार के एक सदस्य को जमीन पर लाकर खड़ा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है? देखो, हरिया का चावल जब एक ठीक निकाल के कलछा से देख लिया जाता है ना, तो ये मालूम हो जाता है कि कच्चा है कि पक्का है। अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी वाले अपने यहाँ लेकर के गए, क्या समाजवादी पार्टी का बिगाड़ लिए? समाजवादी पार्टी 2022 में देखो अच्छा प्रदर्शन किया, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। अब देख लो कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी 80 में 80 में 79 का, सारा खेल उनका खत्म हो गया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर एक की पार्टी बनकर के आ गई। तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी एक नहीं 10 जो है कि यादवों को खड़ा कर दे। यादव समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाला नहीं है। जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, जो ओबीसी के आरक्षण की विरोधी है, जातिगत जनगणना की विरोधी है, प्रतिनिधित्व और सम्मान की विरोधी है, उस भारतीय जनता पार्टी पर जो है कि कभी जो है कि यादव समाज तो भरोसा कर ही नहीं सकता। जब बिल्ली का मुँह एक बार गर्म दूध से जल जाता है ना, तो माथा और छाछ भी फूक करके पीती है। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल आप देखो, जितना मारे गए जोगी पार्ट वन में क्या हुआ, विजय यादव गाजीपुर से नंबर लगा, दूसरे दिन ओम प्रकाश यादव सागन, तीसरे दिन ओम प्रकाश यादव आजमगढ़, फिर उसके बाद अखिलेश यादव कट्टू जो है फैजाबाद, जाते जाते पुष्पेंद्र यादव तक 447 यादवों को मौत फेक इनकाउंटर में मार डाला गया। अभी देख लो आए दिन, पहले नंबर लगाए यादव मुसलमान, यादव मुसलमान, दोनों को टारगेट बना करके, जिस तरह बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे फेक इनकाउंटर करने का मामला हो, तो यादव जो है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में कतई नहीं आने वाला है। वहां से तेज प्रताप यादव, देखना कि पिछली बार जो उम्मीदवार वहां से माननीय अखिलेश यादव जी जितना वोट से जीते थे, हमको तो विश्वास है कि उससे भी अधिक वोट से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी का एक प्लान है, हर एक सीट पर एक प्लान है कि जितने भी सीटें हैं उस पर 30-30 मंत्री प्रचार करने जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम जाएंगे, स्वयं मुख्यमंत्री जी अपनी चौपाल लगाएंगे, हो सकता है कि दिल्ली वाले भी मंत्री आ जाएं, तो माहौल पलट ना जाएंगे। देखो मिल्कीपुर के लिए क्या किए थे, एक हफ्ता में 3-3 चक्कर मारे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। पीडीए के सामने जो है ना भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ क्यों ना एकदम दिन में ही तारे दिखाई देने लगे, और ये साजिश करके वहां का चुनाव कराने से डर गए, क्योंकि लगा कि अयोध्या हारे। आप लोग अंदर लगाते हैं कि चुनाव डरने से, लेकिन वो तो चुनाव आयोग का मामला है ना, बीजेपी पे क्यों ब्लेम लगा? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहा है। पहले सीजीआई होता था, प्रतिपक्ष का नेता होता था, प्रधानमंत्री होता था, और भारतीय जनता पार्टी ने सीजीआई को बाहर करके प्रधानमंत्री प्लस एक केंद्र का मंत्री प्लस जो है निर्वाचन आयोग,
तो बहुमत तो 2-1 से हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तो निर्वाचन आयोग अब जो है ना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हाथ की कठपुतली हो गया है। अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही निर्वाचन आयोग करेगा। जबकि ये चाहते ठीक है याचिका पहले की दाखिल थी, आज जब जो है कि गोरखनाथ पासवान जो है कि याचिका को वापस ले लिया तो अभी तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई होती, चुनाव को कर देते। लेकिन वहां पर अड़ंगा कहीं ना कहीं कभी कभी आता है, न्यायपालिका का सहारा ले लेते हैं, कहीं कहीं निर्वाचन आयोग का सहारा ले लेते हैं, कहीं इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेल को हम लोग बड़े भली भांति समझ गए हैं। और मिल्कीपुर में लाख कवायद करने के बाद जो है योगी जी के बाद बार बार दौड़ा के बाद भी वहां पर समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूला के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही थी, तो सोचे कि चुनाव टाल दिया जाए, नहीं तो लोकसभा चुनाव जो राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वहां पर जो है कि बखेड़ा खड़ा करने का काम किए थे, लेकिन अवधेश पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी और मिल्कीपुर में फिर लगा के हारेंगे, तो इसलिए चुनाव को टाल दिया। आप कहे चुनाव को टाल दिया, लेकिन गोरखनाथ बाबा जो याचिका वापस लेने गए थे अब खड़ा तो उल्टा अवधेश प्रसाद के 12 वकील खड़े हो गए उनके विरोध में, इस वजह चुनाव फंस गया, वो तो अपनी याचिका वापस लेने गए थे। देखो ये इस तरह की तुम लोग भाजपा वालों की बात मत करो, न्यायपालिका ने न्यायपालिका को ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने सारे टारगेट भी ले लिया। आज जो है बताओ जो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया उसको जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सफाई से रास्ते से हटाने का काम किया। जब असलियत की बात गौरी लंकेश करती थी तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने हत्या उनकी करा दिया, अभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो है कि गौरी लंकेश पत्रकार एक देश की जानी मानी थी उनके हत्यारों को जेल से बाहर कर दिया। जस्टिस लोया थे जो अमित शाह को सजा देने का काम किए थे, जस्टिस लोया का काम खत्म हो गया, और जिस जस्टिस ने जो है कि इनके पक्ष में काम किया था उसे केरल का राज्यपाल बना दिया। और गोगोई जो सीजीआई थे अब उनको जो है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे, सत्ता के इशारे पर चल रहे थे, तो उनको जो है उनको भी बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी रिटायरमेंट के बाद दे दिया। चुनाव की होनी चाहिए, आपने पीडीए पर जोर दिया है, बीजेपी ने इस बार भी पीडीए के स्थान में उतार दिया है, तो लड़ाई तो तगड़ी होनी चाहिए भाई साहब। देखो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का जो पी है उस पर या डी है उस पर जो है कि कोई बहकावे में नहीं आएगा। भैया देखो दल जैसा होता है, जैसी जिसकी नीति होती है वैसे, आज 90 विधायक है भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के, 28-29 मंत्री है उत्तर प्रदेश में, 27-28 को मंत्री है केंद्र में, इतना ओबीसी का नुकसान हो रहा है, एससी का नुकसान हो रहा है, एसटी का अधिकार छीना जा रहा है, तो आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी पर कैसे भरोसा किया जाए। देखो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है ना कि जंगली जो कुत्ता होता है ना उस वह जब उसको मुंह को खून लग जाता है ना तो शिकार ढूंढता है, आदमखोर बन जाता है। तो भैया देखो हम आप यह सोचो कि जो मंडल कमीशन का विरोधी हो वह पिछड़े दलित का हितैषी हो, तो ऐसा सोचने वाले से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। और जिस तरह से दूध की रखवाली म्याऊ से बिलार से और मेमना की रखवाली जंगली कुत्ते से करवाने की बात सोचना बड़े बेवकूफी का काम होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो मंडल कमीशन के विरोधी हैं, मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल की राजनीति शुरू करने वाले, तो इस भारतीय जनता पार्टी पर आज की डेट में जो ओबीसी 14 में गुमराह हो गया था, 17 में, 19 में हुआ गुमराह, 22 में तो इन्होंने जो है कि मतदाता सूचियों में हेर फेर करके चुनाव जीता, यह जो 22 वाली सरकार सपा की बन रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हर विधानसभा से यादव और मुसलमान का 20,000-25,000 हर बूथ पर 60 वोट 70 वोट 50 वोट कटवा करके जो है कि यह जो इस तरह से तो चुनाव जीतने का काम किया। लौटन राम सच को डर तो नहीं है कि इस बार भी यादव मुस्लिम वोट काट दिया गया है? देखो इसमें भी करेंगे खेल, लेकिन इतना पीडीए ने धका धक बटन दबाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई, समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और बात करें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर, तो मिल्कीपुर के बाद अब करहल सीट हॉटस्पॉट बन गई है, दारा सिंह यादव से भी बातचीत करने के प्रयास करेंगे। बताइए क्या होगा करहल में इस बार, यादव के सामने करहल में भाजपा के ऊपर तरस आ रहा है? क्या तरस आ रहा है? बहुत तरस आ रहा है, उनको प्रत्याशी नहीं मिले, बहुत तरस आ रहा है, इतना ज्यादा तरस आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार थी,
मार विकास का गंगा बहाए हुए थी, उसके पास प्रत्याशी नहीं, अपना खुद का प्रत्याशी नहीं था, उनको सफाई परिवार से लेना पड़ा। बड़ा दुख हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस बार प्लान में सक्सेस होगी कि नहीं, कि यादव परिवार से मान ले जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीत और जो करनी है, धरनी है, वो सब आप लोगों को पता है, और आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे होंगे उनको भी पता है कि भाजपा सिर्फ वाह वाह ही पुलाव पका रही है, धरातल पे कुछ है नहीं, समझ गए? उन्होंने कहा था, जिस तरह से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कही थी, निषाद समाज को वादा किया था कि आरक्षण देंगे, सब मतलब हवा हवाई हो गई, कुछ नहीं दे रहे हैं धरातल पे, सिर्फ क्या दे रहे हैं? राशन। और उस राशन के चक्कर में किसानों का जो है खाद खा गए, व्यापारियों की नौकरी खा, रोजगार खा गए, और क्या कहते हैं, नौजवानों की नौकरी खा गए। चलिए, बात उपचुनाव की होनी चाहिए, महंगाई तो चलती रहेगी, लेकिन उपचुनाव में क्या, जहाँ मुद्दे पे आते हैं तहाँ पेट में गड़गड़ 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 हेलीकॉप्टर चलता है ना तुम लोगों के, समझ गए? जितना आसमान पे उड़ते हैं ना, वो उनको जमीन पे ही उतरना पड़ता है। करहल में सपा जीतेगी हारेगी, एक सवाल बस। समाजवादी पार्टी इतनी बहुमत से जीतेगी कि वहाँ पर उनका जो है जमानत जब्त हो जाएगी पूरी तरह से, और वही नहीं, 9 सीट जहां जहां चुनाव है वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और बहुत तगड़ा होगा। समाजवादी पार्टी विकास की बात कर रही थी, और आप देख लीजिए, विपक्ष में होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज तक सबको मदद कर रहे हैं। आप बता दीजिए, भाजपा का कौन सा नेता कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? सिर्फ हवा हवाई बयानबाजी, विवादित बयान देना, दंगा कराना, यही काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कोई काम बता दीजिए आप, ऐसा काम गिना दीजिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के काम से जनता का हित हुआ हो। ठीक है, तमाम सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, और बात होगी लगातार मिल्कीपुर के बाद। अब करहल काफी हॉट सीट है, क्योंकि बीजेपी ने यादव परिवार में सेंध मारने के लिए धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों को वहां पर प्रत्याशी बना दिया गया है। अब जाएंगे वहां का हाल खबर, दिखाने का प्रयास करूंगा कि वहां पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।